正在收看的是长影频道。कृपया हमारे साथ चलिए। मिस्टर वू, देखिए आप एक नजर डालिए। क्या आप इस बारे में स्पष्ट हैं, खाता डायरी के बारे में? मुझे वो सब याद है। अपराध जासूसी विभाग, ये वो जगह है जहां मुझे नहीं जाना चाहिए। ये आप तय नहीं करेंगे। खाता डायरी का मालिक कौन है, इसके बारे में कुछ पता है? मुझे नहीं पता। खाता डायरी हमारी जिंदगियों से संबंध रखती है और कुछ बहुत ही बड़े लोगों से भी। आप चिंता मत करो, मैंने कभी कोई खाता डायरी नहीं देखी है। आप घबराइए मत मिस्टर वू, हमने बहुत सालों तक साथ काम किया है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाँ, शुक्रिया मिस्टर जाओ, मुझे अब निकलना चाहिए। Oh!
तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे यहां से जिंदा ले जाओगे? बताओ मुझे, तुमने यानसुंग की गुप्त जानकारी को कहां छुपाया है? बताओ। मैं अपनी जान दे सकता हूं, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, समझे? उसकी लाश को अपराध जासूसी विभाग में ले जाओ और काट डालो इसे। श्रीवू, तुम अपना ध्यान ठीक से रखना और मुसीबतों से बाहर रहना। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे ससुर जी ने तुमसे क्या कहा? कुछ भी मत बोलो, वो मेरे ससुर जी नहीं है। तुम्हारी और वो की सगाई तो बचपन में ही हो गई थी ना, इस हिसाब से तो वो तुम्हारे ससुर जी होने ही वाले हैं। हाँ, अभी स्थिति कुछ और है। मेरे पिताजी गुजर गए, मैं एक नौकर हूँ बस। कुवारी वो के लिए मैं सही नहीं हूँ। अगर तुम्हारे चाचा राजधानी से होते तो तुम्हें अपने विभाग में नौकरी लगा देते, फिर तो तुम उससे ज़रूर शादी कर लेते, तुम लोग दोनों खुश भी रहते। क्या हो रहा है? इतने सालों से जो चोंगरेन गुप्त तरीके से यानसुंग को पैसे भेज रहा है, उसने यानसुंग को राजधानी से चांदी भेजी थी। उसके गांव के इलाके में सारा पैसा वहां जाता था। अब अदालत यानसुंग और उसके साथियों का सफाया कर रहा है। खाता डायरी में रिश्वतखोरी का सबूत है कि बहुत से अधिकारियों ने यानसुंग को रिश्वत दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे लेकर राजधानी जाओ और सीमा को अपने खुद हाथों से देकर आओ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें ही जाना होगा मेरे बदले। पिताजी, और आपका क्या? मैं अभी नहीं जा सकता बेटी, वरना उन सबको शक हो जाएगा। तुम निश्चित होना, मैं राजधानी जाऊँगा जब वो लोग पूरी तरह गिरफ्तार हो जाएंगे। याद रखना, तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। आग से बच के रहो, आग से बच के रहो, आग से बच के रहो, आग से बच के रहो।
हत्यारा हत्यारा पकड़ो इसे। रुक जाओ, रुक जाओ। मारो इसे। जी मालिक। तुम बस एक जिले के न्यायाधीश हो, ज्यादा बढ़ाई मत मारो। हाँ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम्हें पता होगा। बाहर जाओ। जी मालिक। तुम राजधानी से हो ना? मिस्टर येन ने भेजा है तुम्हें। सच बताऊं तो मैंने जितना सोना और जवाहरात इकट्ठे किए हैं सबको लिख कर रखा है। इतने सालों में जो भी इकट्ठा किया सब। अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगे। एक दिन तुम सबके आगे आ ही जाओगे। मुझे तो शक है, अगर तुम में दम होता तो तुम इस वक्त मेरे सामने नहीं होते। बैनी जिले का न्यायाधीश और जैन सून के साथियों से पैसे का लेन देन करता है। तुम्हें खुद रहकर सबूत ढूंढने होंगे। सौ चौंगे को न्याय दिला। राजकुमारी रू, राजकुमारी रू, क्या बाहर जा रही है? कहां पर? तुम्हें क्या, अपना काम करो। ऐसे सीधे से पूछना अच्छा नहीं है मेरे भाई। जाओ अपने ससुर जी से पूछो। कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मुझ पर एक एहसान करोगी? मिस्टर वू से पूछो।
वो मुझसे क्या छुपा रहा है। रुको, उससे कोई खेल मत खेलना, चाहे वो तुम्हें जानकारी दे या नहीं। अरे मिस्टर वू, आपने ऐसा क्यों किया? श्री जाओ, इस तरफ आइए। ये रहे मिस्टर साओ। आप दोनों बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर देना। जी। हाँ, आराम से आराम, यहाँ रख दो। अरे वो पानी की बोतल पास करो। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अभी तक अंदर आइए। जल्दी आइए। राजकुमारी, क्या हमें सकते हैं? उसका इंतजार करना होगा। यहाँ क्या बैठे? पार्सल कर दो। वहाँ जाओ। जल्दी जल्दी। अरे वो भाई साहब तुम्हारे हमारे पीछे ही खड़े हैं। अरे आप, मैं तुम्हें राजधानी नहीं बुला रहा, बस ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए कह रहा हूँ। एक बड़ा अधिकारी होने के नाते मैं पहले कुछ संपत्ति घर ले जाने की योजना बना रहा हूँ। क्या आप मेरे लिए इसका कुछ इंतजाम कर सकते हैं? आपके भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूँगा, मरते दम तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर की। चिंता मत कीजिए, मैं नियम जानता हूँ पूरी तरह से। कल का वो सीन देखा? अरे कमाल था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमें कुछ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। कब से खाना दे दो? तुम संभालना, खाना दो। तुम ये मामला संभालो। ए सुनो, न्यायाधीश से जाकर कहना कि मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फैनी के सरकारी अधिकारियों को मार दिया जाएगा, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे आराम करना है। अरे यार, ये जमीन इतनी सख्त क्यों है? ए तुम जाओ, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। हाँ ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। जियो से मुझे क्यों रोका? ज्यादा मत पूछो, चलो इसके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। छुना मत, नहीं तो तुम्हें लग जाएगी। ये तो यहाँ पे दुर्लभ और हथियार बंद सिपाहियों के लिए ये बड़ी बात नहीं है। ये सब सही नहीं हो रहा है। श्री वू ने जो कहा, जेल में बंद व्यक्ति के साथ कुछ संबंध हो सकता है। इसके अलावा यूरी भी जल्दबाजी में चला गया, कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। जाओजी ने मांगी हुई चीज कहाँ है? मेरा यकीन मानो, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मुझे जरा ले चलो उनके पास। आग! मालिक के घर में आग लग गई है, कोई आग को रोको, मालिक को बचाओ, कोई है? जल्दी जल्दी। मिस्टर घी कहाँ है? हाँ,
वो अभी थोड़ा बीमार है और इसलिए वो खुद नहीं कर सकते, इसलिए मैं आया हूँ आपके पास। आपको अगर बुरा ना लगे तो। बहुत अच्छा किया, लौंग यान के काफिले की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, खजाना बहुत अच्छे से पहुंच जाना चाहिए और इस बारे में जितने कम लोगों को पता हो उतना अच्छा। समझा, मैं समझ गया। आराम से ऊपर रखो। महामहिम चले गए। महामहिम चले गए। मिस्टर वो की बेटी हो ना? मेरे पिताजी मारे गए हैं, आप उनके हत्यारों को ढूंढिए। तुम्हारे पिता की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं वादा करता हूँ कि अपराधी को कटघरे में लाकर खड़ा करूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? मेरे पास कुछ सुराग है मेरे पिता की मौत को लेकर। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की थी, शायद आपके किसी सामान के लिए। मैं हमेशा से एक सच्चा आदमी हूं, मुझसे कुछ पाने के लिए कौन ऐसा करेगा। मैंने सुना है कि कोई खाता डायरी थी। मैं मामले की जांच के लिए किसी को भेजता हूँ, ध्यान रखूंगा कि तुम्हें न्याय मिले। आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मिस्टर वू की बेटी को भी मार देना चाहिए था, शायद जरूरत पड़े। हमेशा की तरह 50 सोने के सिक्के। तुमने न्यायाधीश जी से क्या बताया? कुछ खास नहीं, मैं बस ये जानना चाहती थी कि हत्यारा कौन है। हत्यारा कौन है? मुझे यकीन है कि मिस्टर जाओ है। मिस्टर जाओ? सुनिए, आपको यहाँ से निकलना चाहिए। मेरे पिताजी बिना किसी वजह के मारे नहीं गए होंगे, मेरा पीछा करना बंद करो। चलो। ठीक से निशाना लगा। मैं लगाऊंगा निशाना। मेरी बारी है। मुझे करने दो। पता ध्यान नहीं जाएगा। अब मेरा देखना। ये गया। ये गया मेरा। मैं जीत गया। सही है। मेरी बारी। ले आओ यार। अरे बहुत भूख लगी है। अरे इधर आओ। खाना नहीं ला रहे। हाँ, मेरी ऑर्डर वो भी दे देना। हाँ बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सही खेला। मुझे दो। इनके लिए कुछ पीने को लाओ। तुम्हारा इस बार जरूर जाएगा। अरे नहीं, मुझे खेलने दो। चलो रात होने का इंतजार करते हैं। इस पे मेरे 100। नौकर, शराब में क्या खराबी है? इसका स्वाद इतना घटिया है। माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए और लेकर आता हूँ, अच्छी वाली शराब लेकर आऊंगा।
जल्दी जल्दी। मिस्टर जाओ के साथ आपको क्या तकलीफ है बताइए मुझे। एक शर्त पर बताऊंगा, यहां से रिहा कर दो। बिल्कुल नहीं, ये कानून के खिलाफ है। श्री वो न्यायाधीश के सलाहकार थे, कल रात उनकी हत्या हो गई, वो भी सिर्फ एक खाता डायरी की वजह से। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा अगर तुम मुझे सब कुछ बता दो। ये तो तय है कि वो को फंसाया गया था और असली हत्यारा जो है वो न्यायाधीश झाओ है। तुम्हें ये कैसे पता? मैं सच बताऊं तो अदालत द्वारा भेजा गया मैं एक जासूस हूं। जो उस खाता डायरी को ढूंढने निकला हूं जिसमें वो रिश्वतखोरी के सबूत हैं। झाओ चोंगरेन और यान सुंगी के बीच वो दोनों भी अब बेताब हो गए हैं। जिसे खाता डायरी के बारे में पता चलेगा वो पहले मारा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। मतलब यूरी भी उस डायरी के बारे में जानती है? यूरू? अब ये यूरू कौन है? वो श्री वू की बेटी है। इसका मतलब वो खतरे में है। क्या तुम्हारा हो गया? वो कभी भी आ सकते हैं, जल्दी करो। चाबी दो मुझे। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? हम लोग अपराधी हो जाएंगे अगर हमने इसे जाने दिया तो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम राजधानी जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? श्री वो को सदियों से सम्मान मिलता था, फिर भी उनकी हत्या हो गई। और कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर साहब, कहाँ है वो? वो सराय में है, लेकिन मैंने वहां कुछ और लोगों को भी देखा जो मुझे ठीक नहीं लग रहे। तो ये बात है। तुमने पिछले 2 सालों में मेरी काफी मदद की है, तुम्हारा मकसद क्या है? पैसे और क्या, और लोगों को मारने में मजा आता है। मैं चाहता हूं कि तुम काफिले के साथ जाओ। क्या अभी? आपको यकीन है? खजाना हारना अच्छी बात होगी, लेकिन एक बात याद रखना कि तुमने मेरा सम्मान बचाया है। तुम उसे नहीं मार सकती। तुम कौन हो? हत्यारा! मिस्टर जाओ को बचाओ। कौन है वहां? हत्यारा!
कमरे में हत्यारा है, मदद करो, कमरे में हत्यारा है, मदद करो। कल रात हमें ये चिट्ठी मिली, मुझे खुफिया सूत्रों से पता लगा है कि लॉन्गयान का काफिला निकलने वाला है और वो आज निकल भी गया। लॉन्गयान, खबर पक्की तो है ना? पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कोई इस पर नजर रख रहा है। कहीं ये अफवाह तो नहीं है? कहाँ है वो? यहाँ पर। साथियों, ये बड़ा कीमती सामान है, संभाल कर सभ्य बनो और जल्दी करो, ये सब हो जाना चाहिए। महाराज, क्या हम गुरुजी का इंतजार करें या उन्हें अलविदा कहें? वो बहुत पहुंचे हुए फकीर है, इतनी छोटी छोटी बातें उनके लिए मायने नहीं रखती है। जैसा आप कहें। गुरुजी, 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 गुरुजी। शुआ, भले ही हम कुछ खास अर्जित नहीं कर पाए मगर भरोसा जितना मायने रखता है। मैं काफी सालों से यहां से गया नहीं हूं, जाओ जल्दी करो, जल्दी करो, जाओ जल्दी करो। कौन है? मैं हूं ली बिंगलिंग। तुम यहां क्या कर रहे हो? मिस्टर वू बिना किसी कारण के मारे गए, मैं उसका कारण पता लगाना चाहता हूं। से भी बढ़कर मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। वो कौन है? ओह, महाशय, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? तुम्हारे पिता को मारा गया, तुम्हारे लिए उनका बदला लेना लाजमी है। लेकिन सिर्फ तुम ही नहीं हो जो हत्यारे को मारना चाहती हो, झाओ अभी नहीं मर सकता है। ओह, मैं लीन जून हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मोहतरमा। क्यों नहीं? झाओ चोंगरेन यान सून का साथी है और अदालत उनकी सफाई करने वाला है। अगर तुम उसे अभी मार डालोगे तो फिर अदालत की योजना पर तुम पानी फिर दोगे और तुम लोगों पर एक अधिकारी के हत्या का आरोप लग जाएगा। क्या तुम सच में अदालत के आदमी हो? बिल्कुल सही फरमाया। हाँ, वही तो सोचो कि झाओ ने तुम्हारे साथ कभी कुछ क्यों नहीं किया। हाँ। ये एक खुफिया काम है जिसका मकसद है झाओ चोंगरेन के सारे अपराधों को सबके सामने लाना। झाओ चोंगरेन बड़ा शातिर है, जरूरी सबूत ढूंढ पाना हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा। क्या तुम्हारे पिताजी ने पहले कभी इसके बारे में जिक्र किया था? तुम्हें कुछ याद है?
ऐसा लगता है सबूत अभी भी उसी के पास है। यानसुंग के आदमी सबूत ढूंढ रहे हैं, और जहां तक मुझे पता है कि यानसुंग के आदमी इसी सराय में रुकने वाले हैं। हाँ, कहाँ है वो? अभी अभी जो आदमी यहाँ से निकला था, अगर उसे सबूत मिल गया तो वो उसे नष्ट कर देंगे और हम मुसीबत में आ जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। ए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। चलो। चोंगार ने वादा किया था वो अपने सैनिकों को वापस खींच लेगा अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो। अभी भी 15 कोस जाना बाकी है। गुरुजी, कहीं ये प्राचीन कहानी तो नहीं है जो आप हमें पहले दिन से सुना रहे हो? बाद में उन दोनों देशों में सच में युद्ध हो गया और क्या। चोंगार ने अपने सैनिकों को कदम खींचने का आदेश दे दिया, लेकिन उसका राज्य उनके बीच हुए समझौते को भूल गया। उससे लगा जिनके सैनिक डर गए थे, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन वो युद्ध हार गया। मुद्दे की बात यह है, पहला, हमें किसी का आभार नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, तुमने किसके साथ क्या वादा किया है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। समझ गए? गुरुजी आप बूढ़े हो गए हैं, छोड़िए ना वो सब। हाँ, चलो चलो। नमस्ते, कृपया करके हमें जाने दीजिए, यह आपसे विनती है। गुरुजी, इन्हें समझाने से कुछ नहीं होगा। झंडा लहराओ, झंडा लहराओ, झंडा लहराओ। ये सच में लोंगायन का काफिला ही है। बढ़िया है, सामान छोड़ दो फिर जा सकते हो। सामान छोड़ दे, इतनी अक्कड़ है तुझ में? हाँ, क्या तुम्हें पता है ये सामान कौन खरीदता है? नहीं, कौन खरीदता है? नहीं पता है? नाम सुनते ही हवा उड़ जाएगी। जाओ चोंगरेन, न्यायाधीश सही कहा ना? तुम लोग इतने कम आदमी हो, हमें रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा लगता है मेरी उम्र अब युद्ध करने के लायक नहीं है। दशाओ, इसे मैं तुम पर छोड़ता हूँ। चिंता मत कीजिए, ये डकैती करने वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलो चलो। सुनहरा रक्षक कवच, तुम बहुत कुछ जानते हो। यूं ही तुम जाओ और श्री दाओ को इस बारे में खबर करो।
गुरुजी। ये सामान ज्यादा मायने रखता है। चलो 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 चलो। अरे बाप रे, चलो चलो। मिस्टर घी का काफिला है। मिस्टर घी? हाँ, ये श्री घी का काफिला है। कोई इनसे पंगा नहीं ले सकता है, और पहले भी किसी ने नहीं लिया, गलती से भी नहीं। तुम्हारे जासूस ऐसे कैसे हो सकते हैं, बताओ मुझे। मुझे भी अजीब लग रहा है। अगर खबर झूठी भी थी तो संदूक खाली कैसे था? मो, कहीं काफिला निकलने से पहले किसी ने सामान निकाल तो नहीं लिया, या फिर कोई दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता हो सकता है जाओ चोंगरान के पास अभी भी वो खाता डायरी हो। अपराध जासूसी विभाग, अपराध जासूसी विभाग। मिस्टर गी मारे गए। दशाओं का क्या हुआ? वो लापता है। वो खाता डायरी लेकर भाग गया होगा। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। चला जाऊं? कहाँ चला जाऊं मैं? मिस्टर गी मारे गए, वो पूरी तरह निर्दोष थे, मगर मैंने दशाओं के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। किस्मत से मैंने उस डायरी की एक नकल रखी है। तुम जाओ, जाकर दशाओं का पता लगाओ। मिस्टर लीन अभी तक वापस क्यों नहीं आए? जो लोग सराय में ठहरे हैं उन्हें यांगसुन ने हमें मारने के लिए भेजा था। हाँ, मिस्टर लीन ने यही बताया था। मगर वो मुझे हत्यारे नहीं लगते हैं, वो तो मुझे अधिकारी लगते हैं। अब कौन शैतान है और कौन अच्छा ये बताना मुश्किल है। यहाँ से जल्दी निकलना ही बेहतर है। ये पता लगाना जरूरी है वो है कौन। इसके अलावा हमें अभी भी पता नहीं कि डायरी किसके पास है। तुम अभी तुमने कहा कि मेरा मतलब रात ज्यादा हो गई है, तुम जा सकते हो। हाँ ठीक है। मुझे अफसोस है, श्री दशाओ वापस आए क्या? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, शायद वो भी मारा गया। मुझे तो ये भी नहीं पता उसकी लाश कहाँ है। अजीब हरकतें कर रहे थे, उन्होंने मुझे काफी बात बताई थी। उन्होंने कहा कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं और एक नया नेता चुना जाने वाला है। इस यात्रा के बाद मुझे तो यकीन है कि इनकी मौत का कारण यही है।
ये क्या हो गया? ये ऊपर वाले ये क्या कर दिया? जून, काफी वक्त हो गया ना हमें साथ मिले हुए। हमारे मकसद अलग अलग हैं, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। वो सामान तुम्हारे पास ही है ना जून, उसे हमारे हवाले कर दो। अगर नहीं दिया तो? शुक्रिया मेरे भाई, मुझे जाना होगा। कौन हो तुम, बताओ मुझे। मैं एक छोटा सा सरकारी नौकर हूँ और मेरा नाम ली बिंगलिंग है। तुमने उसकी जान क्यों बचाई? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें यहाँ यांगसोंग ने भेजा है जाओ चोंगरिन को मारने के लिए, ताकि अदालत को सबूत ना मिल जाए। ली जून ने तुम्हें बताया था। अपराध जासूस विभाग से? दोस्त, मेरी बात मानो, पीछे हट जाओ और हमें अपना काम करने दो। ये तुम हो? वो आदमी अदालत से है? हाँ, मेरे पास इस बात का पुख्ता सबूत है। मुझे तो लगता है इसका मतलब ली जून झूठ बोल रहा था। कहीं यानसुंग ने ही उसे हत्या करने के लिए नहीं भेजा? अब ऐसा लगता है कि हमें खाता डायरी उनको देनी चाहिए, जिससे जाओ और यानसुंग का पर्दाफाश होगा। क्या तुम्हारे पास वो खाता डायरी है? वो डायरी मेरे पिताजी के हाथ लगी थी, शायद इसी वजह से जाओ चोंगरिन ने उन्हें मार डाला। लेकिन लीन, ऐसा लगता नहीं है कि अब इसके बारे में सोचकर मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। लीन एक अच्छा योद्धा है, वो तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? मुझे तो ऐसा लगता है वो ये जानना चाहता है कि वो खाता डायरी हमारे पास है या नहीं। मैं
जब तक मैं उस डायरी को राजधानी लेकर जाऊंगी तब तक जाओ चौंगरेन मार दिया जाएगा। अगर हमारे पास वो डायरी हो भी तो भी वो हमारे काम की नहीं। फिर लोंग गैंग के काफिले के साथ वो डायरी क्यों नहीं भेजती? लीशुन को नहीं पता होगा कि वो खाता डायरी तुम्हारे पास है और इसलिए उसने जाओ चौंगरेन को मारा होगा। नसीब से तुम बेहद चालाक हो, किसी के जाल में नहीं फंसोगी। अभी समय मुश्किल चल रहा है, मुझे बदला लेने के लिए अभी जिंदा रहना जरूरी है। हम जांच करता है, मैं मिस्टर जाओ से मिलना चाहता हूँ। महाराज जाओ कहाँ पर है किसी को नहीं पता। जाओ चौंगरेन पर पक्षपात करने का आरोप है। हम लोग उन्हें यहाँ से राजधानी पूछताछ करने के लिए ले जाने के लिए आए हैं। पूरे शहर को छान मारो। ठीक है। बताओ मुझे खाता डायरी कहाँ पर है? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मुझे मार डाला जाएगा। देखो तुम इतना जिद्दी मत बनो और घबराओ मत, मैं तुम्हें तुरंत ही नहीं मारूंगा, तुम्हें तुम्हारा वक्त मिलेगा। हाँ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या चीज होती है। महाराज कोई आपसे मिलने आया है। अंदर लाओ उन्हें। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, वो खाता डायरी कहां पर है? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मुझे मार डाला जाएगा। सुना है कि कोई अगर तुम्हारी आंखों में 2 इंच तलवार घुसाता है तो वो अंधा नहीं होता, मगर उसे दर्द बहुत होता है। क्या हम ये कर सकते हैं? बूबिन जाओ, शायद उसके पास एक नकल है। आप कौन हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं मिस्टर जाओ की खास अंगरक्षक हूँ और मुझे उनका ठिकाना पता है, इसलिए बताने आई। क्या कहा महाराज? यही वो जगह है। सुन, उसे मेरे हवाले कर दो। वो मेरा शिकार है, कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। मतलब तुम पिछली बातों से अभी भी नाराज हो? तुम्हें लगता है कि तुम सब लोग अपराध शाखा से हो तो मैं डर जाऊंगा? मुझसे पंगा मत लो। सुन, इतने भी जिद्दी मत बनो। मिस्टर जाओ, यही तुम उन्हें यहां क्यों लेकर आई हो? मैं आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, ये जल्दी करना था और दूसरा रास्ता नहीं था। Yeah.
जिन, वापस आ जाओ, हम अभी भी साथ काम कर सकते हैं। राजधानी में तुम्हारे साथ जो भी होगा उसे मैं संभाल लूंगा। शुक्रिया, लेकिन मैंने मेरा रास्ता चुन लिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं जिसकी कद्र करता हूं वो है हमारे बीच का भाईचारा। मुझे कठपुतलियों की तरह नाचना बिल्कुल पसंद नहीं, और यहां तुम दोनों यानसुंग से कुछ लेने आए हो, लेकिन तुम लोग भूल गए वो भी तुम लोगों का साथी था। तुम्हें तो सही गलत की भी जानकारी नहीं है, और लड़ाई करना तो बस समय की बर्बादी है। ये अदालत का मामला है, अपना ख्याल रखना। मो, आप इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। मुझे इसका गुस्सा पता है, यानसुन का अनुयाय नहीं हो सकता है। मगर लोग बदल भी तो जाते हैं। मिस्टर जाओ, हमें कहाँ जाना चाहिए? यही, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। मिस्टर जाओ, क्या बात है? आपने कहा था कि आपके पास खाता डायरी की कॉपी है, कहा था ना आपने? मेरे पास काफी सोना और गहने हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बहुत कुछ है मेरे पास। समझ गए मिस्टर जाओ। तुम्हारे 50 सिक्के, तुम्हें मुबारक। अब आ गए। इसे मरे हुए कितना वक्त हुआ? वैद ने बताया कि 2-3 दिन पहले मरा है। दिलचस्प है, जाओ चौरंग भी मारा गया है। हाँ, सच में। तुम्हें क्या लगता है ये खाता डायरी कहाँ होगी? चिंता मत करो, जब तक हम लोग उस डायरी को ढूंढेंगे जाओ चौरंग अपराधी घोषित हो गया होगा।
सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं यहां आपको अलविदा कहने आया हूं। जाओ, सबको अलविदा। क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ। पहला फेंको। मुझे बताओ कि हम सब भाई भाई हैं। हम लोगों ने साथ में बहुत कुछ देखा है, साथ में ढेर सारा काम भी किया है अपराध जासूस विभाग के लिए। क्या तुम लोग तैयार हो? जी मैं तैयार हूँ। हम भी। दूसरा फेंको। क्या तुम लोग जानते हो कि तुम किसके लिए काम करते हो? मेरे लिए? नहीं, हम सब अदालत के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा फेंको। आज हम लोग यहां से सबूत वापस लेने आए हैं, नहीं तो हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, समझ गए? लेकिन इस बार हमारे लिए उस सबूत को वापस लाना मुश्किल होगा। लीज उनकी वजह से, वो हमेशा हमारे रास्ते में आता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। देखो मैं यहां आ गया तुम लोगों को खाता डायरी वापस दिलाने। मैं नफरत मिटाने को तैयार हूं, इस मामले को सुलझाने के लिए भी। ऐसा लगता है तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदले हो। हमें दूसरों की मदद की जरूरत नहीं है। बताओ क्या चाहते हो तुम लोग? रुक जाइए, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर ये कोई गड़बड़ करेगा तो उसका अंजाम भुगतेगा, इसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो। हम लोग पिछले एक सदी से साथी थे, लेकिन लगता है कि आज ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसे छोड़ दो। अगर तुम मुझे दोबारा देख गए तो मैं तुम्हें निश्चिंत ही मार दूंगा। जियोसी, क्या हुआ, क्या खबर है? कुछ दिन पहले ही दशाओ मारा गया और उन्होंने जाओ को भी मार दिया है। क्या कहा? वहीं खड़े रहो, पास आए तो गोली मार दूंगा।
महाशय, महाशय, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तुम्हारी पूछताछ पैसों को लेकर है तो दफा हो जाओ। दो दिन पहले ही कोई पुराना कर्जा का हिसाब करने आया था, लेकिन उसका मुखिया मारा गया और उसका काफिला भाग गया। तुम भी चले जाओ यहां से। नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। हम लोगों की दोस्ती बहुत पुरानी है। मैंने सुना है कि एक डकैती में मिस्टर गी की मौत हो गई, शायद कुछ दिन पहले, इसलिए मैं सम्मान देने आया हूँ। वो सब कुछ ये दलाली के वजह से हो रहा है। बड़ी अजीब बात है, उसके मुखिया की सेहत हमेशा खराब रहती थी। मुझे तो आश्चर्य होता है, वो काफिला छोड़कर अकेला गया ही क्यों? उसकी लाश यहाँ दफन नहीं की गई। उनकी मोहतरमा उनकी लाश को यहाँ से ले गए थे और उसका सामान भी ले गई। कुछ नौकरों के साथ मिलकर सब कुछ लेके गए। महाशय, मिस्टर गी का गुरुनगर कहाँ है? इन शहर में कहीं पर तो है। अगर तुम वू को बचाना चाहते हो तो तुम्हें लोंगयान तक पहुंचना होगा। देखो, जो भी हो जाए, तुम अदालत के खिलाफ बिल्कुल मत जाना। अपना ध्यान रखना। जले हुए सामान के पैसे दे दूंगी मैं। ये मैं हूँ। उन लोगों ने बहुत परेशान किया ना। तुम यहाँ कैसे? शायद मुझे कुछ सुराग मिला है। कैसा सुराग? हम सबको लगता था कि मिस्टर गी मारे गए और उनको लूट लिया गया। शायद वो डकैती दलाली के बदले की गई, क्योंकि दलाली अभी तक नहीं दी गई है। जाने से पहले मैं किसी से मिलना चाहूंगा। किससे? ली शुन से। तुम उस पर इतना भरोसा क्यों करते हो? क्योंकि मेरा दिल कहता है। चलो चलो चलो। महाराज, वो लोग इन शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। सामान हाँ, लेकर आओ लेकर आओ। हाँ, इसे यहाँ रख दो। अरे, तुम कहाँ थे? एक चाय देना। कब से ढूंढ रहे हो? आपका बैठिए, एक मिनट ये लीजिए। स्वादिष्ट है ये, मेरा सबसे पसंदीदा खाना है। वाह वाह, मजा आ गया। क्या इन दिनों यहाँ कोई शब यात्रा आई है? तुम्हें कुछ याद है? शब यात्रा? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। आपने किसी व्यापारी को देखा है जो बाहर से आया हो? मैंने कुछ दिनों पहले सुना था कि एक परिवार यहाँ आया था, लेकिन वो लोग जहाँ से आए थे वहीं पे वापस चले गए। पानी लाइए जनाब। जी आया। मैंने उन्हें अपनी आँखों से तो नहीं देखा, लेकिन लोग कह रहे थे कि उन्होंने काफी बड़ा नाटक खड़ा कर दिया था। नाटक? मुझे जहाँ तक पता है, ये लीजिए नाश्ता। मुझे याद है कि बहुत साल पहले एक सज्जन हुआ करते थे। वो बूढ़े थे? हाँ हाँ, बिल्कुल वो बूढ़े थे। वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाग बनाकर चले गए थे और उसे लॉन्गेविटी गार्डन कहते हैं। बाद में एक नाटक करने वाले परिवार ने उसे खरीद लिया। उन्होंने उसे क्यों खरीदा मुझे पता नहीं।
तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे लगा तुम ही होगे, मिस्टर की। तुम जाओ चोरेन की खाता डायरी लेकर आए हो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। तुम्हें वो डायरी लेकर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता वो संपत्ति है किसी की? अब तुम मुझसे झूठ मत बोलना। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मुझे ये बात पता है, डकैती के बाद तुम्हारे डकैतों ने अपना इरादा बदल लिया था। इतना सारा खजाना तुम लोग पहरेदारों की आंखों से बचते हुए लेकर आ गए। इसका एक ही जवाब है, तुम्हारे संदूक में रख कर। सही कहा ना मिस्टर गी? तुम्हारा सहायक मिस्टर दशाओ उतना बड़ा योद्धा नहीं था कि तुमने उसको सबसे लड़ने के लिए बोल दिया। ऐसा हुक्म देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही हो सकते हो जो ऐसा कर सके, ताकि तुम्हें मारा नहीं जाए और तुम्हें बूढ़ा समझकर छोड़ दिया जाए। तुम्हारी यात्रा यीन शहर तक थी, सही कहा ना? कमाल है। लेकिन जाओ चोरेंग की तो अब मौत हो चुकी है, और अब तुम क्या चाहते हो? मैं सच सबके सामने लाना चाहती हूँ और पिताजी के लिए इंसाफ चाहती हूँ। मेरे पास ही है वो खाता डायरी, मगर तुम लोग उसे नहीं ले पाओगे। मुझे तो आज ये भी लगता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे। जाओ। Huh?
मुझे खाता डायरी दे दो। सुन, खाता डायरी मुझे दो, मैं इसे अदालत के हवाले करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मो, ये तो तय है कि ये यानसुंग का अनुयायी है। दोस्त, अगर तुम इसे भी मार डालोगे तो मैं वादा करता हूं तुम्हें अधिकारी बना देंगे। मुझे इसने ऐसा नहीं बताया था। उस वक्त वैंग चाओ झाओमो और मैं, हम तीनों साथ में काम करते थे। यानसुंग के पहले से ही बहुत अनुयायी थे। लियांग जो कार्मिक के मंत्री थे, हम साथ में रहते थे। वो मेरे साथ हमेशा दयालु थे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। यानसुंग के अनुयायियों ने उन्हें मार डाला और अब यही मौका है खाता डायरी लेने का और यानसुंग से बदला लेने का। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। क्या मजाक है, हम सब अदालत के लिए काम कर रहे हैं, हम यानसुंग के अनुयायी नहीं है। तुम क्या सोचते हो? मैं भी आपसे सहमत हूं। अगर ऐसा नहीं है तो मिस्टर की अभी तक जिंदा कैसे है? ऐसा लगता है ये हमें आपस में लड़वाना चाहता है। मिस्टर गी, यानसुंग का अनुयायी कौन है? तुम मारे जाओगे अगर अभी सच नहीं बताया तो। मुझे मारोगे? इतनी हिम्मत? तुम्हारे पास वो खाता डायरी नहीं आई होती अगर किसी ने कुछ दिया ना होता। जाओ चोरेंग मुझसे झूठ बोला क्योंकि उसे लगता था कि मुझे खाता डायरी के बारे में जानकारी नहीं है। मिस्टर यान ने वादा किया था अगर आप उस खाता डायरी को नष्ट कर देंगे तो इसके बदले में आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। दशाओ, दशाओ को नहीं मरना चाहिए था। तो फिर आप और आपका अनुशासक एक आलिशान जिंदगी जी सकेंगे। मतलब कि मिस्टर गई, वो डायरी देने के बदले मुझसे कुछ लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपको उसे निपटाना होगा। मिस्टर गी बेहद होशियार आदमी है, उसके लिए ऐसा करना लाजमी होगा। जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मगर तुम मुझे वो खाता डायरी दे दो, तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। अच्छा, डायरी पकड़ो। आप ठीक तो हैं? जाओ वो खाता डायरी ले लो। तुम जरूर यही हो। तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरे आने से पहले यान ने मुझे बताया था कि जाओ चोरांग की जासूसी के लिए एक लड़की को भेजा गया है, वो जरूर तुम होगी। मैं मिस्टर यान की कर्जदार हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। Ah!
चलिए मुझे छोड़ दो और ये खाता डायरी लेकर जाओ, जल्दी जाओ। तुम कितने बड़े मूर्ख हो जाओ, तुमने तो सब खेल बिगाड़ दिया। इसमें मेरा नाम भी था। लगता है हमारी जिंदगी यहीं खत्म होगी।
पिताजी, गलती मेरी है, मैं खाता डायरी नहीं बचा पाई, लेकिन आपका बदला लिया मैंने। पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। उस खाता डायरी की वजह से अदालत में काफी उथल पुथल हुई। मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजें जल्द ही ठीक हो जाए, ताकि निर्दोष लोग शांति और अमन से जी सके। मिस्टर लिन, क्या आप वापस जा रहे हैं अपराध जासूस विभाग में? यान सुंग और उसके अनुयायी दोषी हैं, उसके बाद आने वाला अधिकारी उससे बेहतर नहीं है, और ये सारी अराजकता महाराज द्वारा नियंत्रित की जाती है। मैं अपने दिल की सुनूंगा और धरती का एक चक्कर लगाऊंगा, क्या कहते हो? यांगजो क्यों नहीं चलते अगले साल गर्मी में? सुनकर अच्छा लगा, मैं तुम दोनों से मिलने आऊंगा।